समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड के बुढ़ौना पंचायत के वार्ड नंबर 2 से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 38 वर्षीय युवक की बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। जैसे ही करंट लगने की खबर स्थानीय लोगों को मिलती है, मौके पर गांव के कई लोग पहुंचते हैं और बिजली विभाग पर आक्रोश व्यक्त करते हैं। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से 38 वर्षीय युवक की मौत हो जाने से वहां पर के लोगों का कहना है कि यदि बिजली विभाग सही से देखरेख करती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वहीं मौके पर विद्यापति थाना पहुंचकर कागजी कार्रवाई के बाद बॉडी को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्याम नरेश पासवान। कैसे कैसे क्या सब हुआ था? बिजली और बिजली करके जा रहा था, हरा हरा लगी था और कट था वहाँ पर बिजली। अच्छा, वो सट गया। अभी हम बढ़ौना पंचायत में है, विद्यापति थाना क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर देख रहे हैं प्रशासन की गाड़ी आई हुई है। प्रशासन यानी विद्यापति थाना प्रभारी व अपने दलबल के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ग्राम पंचायत राज बढ़ौना वार्ड संख्या 2 से मैं तस्वीर आपको इस वक्त दिखला रहा हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति को बिजली की चपेट में बिजली व्यक्ति आ जाते हैं, जिनकी वहाँ पर मौके पर ही मौत हो जाती है। देखिए तस्वीर को, मैं बढ़ौना से सीधी तस्वीर आपको दिखलाने का इस वक्त प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पुलिस आई है, खानापूर्ति कागजी खानापूर्ति करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजेगी। सरपंच साहब, आपको कब पता चला? कुछ लोगों के द्वारा, इधर के लोगों के द्वारा पता चला कि व्यक्ति का बिजली के खंभा के अर्थिंग से सट गए, मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मौत हो गई, मौत मौके पर हुई थी या उनको उठा के लाए थे? उसी जगह मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर ही मृत्यु। क्या नाम था उनका? रामजी पासवान नाम था। उम्र लगभग 38 साल था। 38 साल। 38 साल। बाल बच्चा क्या है उनका? 4, 2 लड़का, 2 एक लड़की और 3 लड़का। एक लड़की, 3 लड़का। सही से बताइए। एक लड़की है, 3 लड़का। एक लड़की और 3 लड़का है जी। उम्र लगभग इनका 38 वर्ष ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। अब बताइए, इतनी कमाऊ व्यक्ति घर के मात्र यही थे? सिंगल पर्सन यही घर के कमाऊ व्यक्ति थे। अब इनका परिवार समझिए जो उजड़ गया है। यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग आए हुए हैं, गणमान्य लोग आए हुए हैं, सारे यहाँ पर थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ पहुँचे हैं। देखिए तस्वीर को मैं दिखलाने का इस वक्त प्रयास कर रहा हूँ। बढ़ौना पंचायत वार्ड संख्या 2 से, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा घटना हो। इतनी कम उम्र में और इतना बोझ लेके चलने वाला आदमी आज दुनिया से बिजली के चपेट में आने के कारण चल बसा है। देखिए तस्वीर, बिजली से जीविका था इस क्रम में, बिजली से ही इसका आज मृत्यु बिजली से हुआ। खंभा लगा हुआ था, उसमें बारिश के वजह से करंट आ गया और उस जगह सट के इनका मृत्यु हो गया। पूजा देखने के लिए जा रहे थे, उसी जगह खंभा में करंट थे, खंभा के पास ही उनका मृत्यु हुआ।